हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में हमने यूनिट फर्स्ट और अपने चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा क्लासिक सॉरी रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई के बारे में, जिसमें कि हमने आपको रिप्रोडक्शन बताया कि जो आपके कवक हैं उनकी प्रजनन विधियाँ कितनी तरीके की होती हैं। मैंने आपको बताया कि कवक जो प्रजनन विधियाँ हैं वो हमारी तीन विधियाँ हैं, कौन कौन सी वेजिटेटिव हैं, हमारी एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है, जिसमें हमने चर्चा की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसमें भी हमने अलग अलग विधियों को जाना कि किन किन विधियों के द्वारा हमारा एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन होता है और किन किन विधियों के द्वारा हमारा जो है कायिक जनन होता है। आज हम चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी लैंगिक जनन की। तो देखिए, जो कवक की जो प्रजनन विधियों में हमारा लैंगिक जनन है वो भी हमारा पांच विधियों के अनुसार होता है। आइए अब हम एक एक भाग को देखते हैं और उसे समझते हैं कि किस अनुसार हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, जो कि हमारा क्या है। देखिए, जो हमारा लैंगिक जनन है तो क्या होता है कि लैंगिक जनन में जो विभिन्न प्रकार के जनन कौन कौन सी हैं, उसमें हमारा पहला है गैमेटिक कॉप्यूलेशन, यानी युग्मकी संयुग्मन। हिंदी में इसको कहते हैं जो है युग्मकी संयुग्मन। आप देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है। फर्स्ट में देखिए कि क्या होता है कि जब दो प्रकार के गैमेट्स आपस में फ्यूजन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, यानी युग्मक का निर्माण करते हैं। तो जो लैंगिक जनन की ये प्रक्रिया होती है इसको हम गैमेटिक कॉपुलेशन कहते हैं। आप देखिए ये जो गैमेट्स हमारे होते हैं, सॉरी ये जो जाइगोट होते हैं, ये क्या होते हैं, एक समान आकार वाले प्लैनोगैमस गैमस होते हैं। इसे क्या कहते हैं, आइसोगैम, यानी जो हमारे जाइगोट होते हैं जब वो समान आकार वाले होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोगैम। जैसे कि हमारे कैटेनेरिया, अब देखिए जब गैमेटिक पॉपुलेशन दो असमान युग्मकों के बीच में होता है तो इसे हम एन आइसोगैमी यानी हेटरोगैमी कहते हैं। तो ये हमने जाना अपने पहले रिप्रोडक्शन की पहली प्रजनन विधि जो क्या है, गैमेटिक कॉपुलेशन है, जिसमें हमारा क्या हुआ कि गैमेट्स बने और जो दो समान गैमेट्स थे वो कैसे थे, आइसोगैमी थे, और जो असमान थे वो हेटरोगैमी थे। अब देखिए अब हम अपने सेकंड को देखेंगे जो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। आइए इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। देखिए जो हमारा सेकंड विधि है, यानी कि गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, यानी इसको हम कहते हैं युग्मक धानी संपर्क। गैमेटेंजियल है, गैमेटेंजियल का मतलब होता है युग्मक धानी संपर्क। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ जो आपके लोअर फंजाई यानी जो निम्न कवक होते हैं, निम्न कवक कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका फाइकोमाइसिटीज है ना। अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में जो आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है तो वो एंथ्रीडियम और ओगोनियम के रूप में विकसित होता है। अब एंथ्रीडियम के अंदर आपके क्या होते हैं, आपके नर केंद्रक होते हैं यानी मेल न्यूक्लियस, और जो ओगोनियम होता है उसके अंदर आपका क्या होता है, फीमेल, यानी कि फीमेल न्यूक्लियस जो क्या करते हैं, जो अंड के रूप में पाया जाता है। अब क्या होता है कि जो हमारी एंथ्रीडिया बनी
और जो हमारी उपभोगियां बनी वो क्या करती है कि उनके बीच में क्या होता है, कॉन्जुगेशन एक नली बन जाती है जिसके द्वारा जो क्या होता है, जिसके द्वारा हमारा जो मेल न्यूक्लियस होता है वो फीमेल न्यूक्लियस या अंड से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है और निषेचन करके एक जायगोट, निषेचन करके जायगोट का निर्माण करता है। जैसे कि हमारा क्या होता है एल्बिगो, इसका एग्जांपल है एल्बिगो। तो ये तो हमने देखा सेकंड प्रोसेस जो है हमारा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब हम देखेंगे अपना थर्ड पार्ट जो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। आइए अब हम इसको समझते हैं कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या है। आइए देखिए जो हमारा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है उसमें क्या होता है कि इसे सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसे हम क्या कहते हैं, विषम जालिकता कहते हैं। और ये आपका मुख्य रूप से पाया जाता है किसमें, आपका राइजोपस में पाया जाता है और आपका पाया जाता है म्यूकर में पाया जाता है। तो इन दोनों में आपका ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। आप देखें इसके जो फिलामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूजन करके आपके जो है जायगोट का निर्माण करते हैं और जो क्या करते हैं अंकुरण, जो अंकुरण के पश्चात क्या होता है कि सेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण करते हैं और नए कवक सूत्र को जन्म देते हैं। तो ये हमने थर्ड पार्ट देखा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन को। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है स्पर्मेटिजेशन। आइए अब हम समझते हैं स्पर्मेटिजेशन क्या है। देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है यानी कि स्पर्मेटिजेशन उसमें क्या होता है कि ये कैसा होता है, ओगैमी होता है। और जो आपका किसमें पाया जाता है, जो आपके एक्वेटिक यानी जो जलीय कवक होते हैं उनमें ये पाया जाता है। जैसे कि आपका जलीय कवक की हम बात करें तो लाबुली विनी येल्स आपका क्या है, एक जलीय कवक है। यह मुख्य रूप से कैसा होता है, परजीवी कवक होता है और ये नर जननांग के रूप में स्पर्मेटिया में उत्पन्न करते हैं। जो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, एक केंद्रक वाले बीजाणु उत्पन्न करने वाली ये संरचनाएं होती हैं जो कि कीटों जल वायु द्वारा मादा जननांग के पास ले जाते हैं और इनकी जो जो है वो युग्मक धानियां होती हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है हाइफी यानी कि तंतु निकलते हैं और जिसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और नए गैमेट्स का निर्माण करते हैं। तो ये हमने आपको बताया आपका फोर्थ पार्ट स्पर्मेटिजेशन के बारे में। अब देखिए इसी के अंतर्गत आपका पूछा जाता है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी को पूछा जाता है तो देखिए जो आपका सोमैटोगैमी है तो सोमैटोगैमी आपका एक जो है इम्पोर्टेंट है आपका ये पेपर में पूछा जाता है। आइए तो अब हम देखते हैं सोमैटोगैमी को कि ये सोमैटोगैमी क्या होता है। देखिए जो सोमैटोगैमी है तो सोमैटोगैमी में क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है कि बहुत सारे कैसे होते हैं, हाइयर फंजाई होते हैं यानी उच्च कवक होते हैं। जैसे कि हमारे उच्च कवक कौन से होंगे, हमारे उच्च कवक होंगे एस्कोमाइसिटीज, डेसिडियोमाइसिटीज, ये हमारे कैसे होंगे, उच्च कवक होंगे। और इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन नहीं पाया जाता यानी जननांग नहीं पाए जाते। इनमें बहुत से साधारण ऐसे लैंगिक जनन पाए जाते हैं जिसे हम सोमैटोगैमी कहते हैं।
देखिए, अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि सोमैटो ज्ञानी क्या होता है, तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि जो हमारे हायर फंजाई होते हैं, हायर फंजाई कौन से, जो एस्कोमाइसिटीज हैं, बैसिडियोमाइसिटीज हैं, उसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, इनमें बहुत ही साधारण प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसे हम सोमैटोगैमी कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अंदर के केंद्रक से संलयन यानी फ्यूजन करके डाइकैरियोटिक कवक सूत्र उत्पन्न करती हैं। इनमें से एक कोशिका का केंद्रक और दूसरी कोशिका के अंदर अपने बीच की कोशिका भित्ति को क्या करता है, गला देता है, यानी डिसॉल्व कर देता है और गला कर चला जाता है। तो इस प्रकार जो होती हैं दो वेजिटेटिव जो सेल्स होती हैं, उनके केंद्रक फ्यूजन करके डाइकैरियन उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कवकों में हमारा क्या पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होता है कि ये अंकुरित परिस्थितियों में अपने नए थैलस के निर्माण को करते चले जाते हैं। तो ये हमने पूरा, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो था हमारा क्या, रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विस्तार पूर्वक जान लिया। आप, आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा होगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो ये टॉपिक हम अपना कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।